तो पता चल जाएगा ना इंडिया में कौन लोग हैं, वही चेहरे तो हैं। नाम बदलने से आदमी बदल जाता है। पाकिस्तान जो है अपना नाम बदल के अमेरिका रख ले, नाम बदलने से इनके चेहरे बदल जाएंगे। अत्याचार, भ्रष्टाचार, वही तो भ्रष्टाचार ही है। अरे पहले तो इस्तीफा, नीतीश कुमार जी गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार पहले माफी मांगे। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भाजपा के सांसद राम कृपाल यादव ने विपक्षी एकता पर तीखा हमला बोला है, प्रहार किया है। साथ ही ये कहा है कि अगर आप नाम बदल लेते हैं तो इससे आपका चरित्र नहीं बदल जाता है। दरअसल उन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर ये सवाल किया है कि क्या नाम बदलने से आपका चरित्र भी बदल गया। जिस तरीके का बयान आप देते हैं, एक बार आपको बिहार पर भी नजर डालनी चाहिए। बिहार में कितने तेजी से क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। जो गठबंधन का नाम रखा गया वो तो पता चल जाएगा ना इंडिया में कौन लोग हैं, वही चेहरे तो हैं। नाम बदलने से आदमी बदल जाता है। पाकिस्तान जो है अपना नाम बदल के अमेरिका रख ले तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, दुनिया का नंबर वन का हो जाएगा। नाम बदलने से इनके चेहरे बदल जाएंगे। अत्याचार, भ्रष्टाचार, वही तो भ्रष्टाचार ही है। उसने देश को लूटने का काम किया है, बर्बाद किया है। नाम बदलने से चेहरा बदल जाता है। सब वही लोग हैं, वही लोग हैं, वही पुराना बोतल है। तेल बदलने से या पानी बदलने से हो जाएगा? निश्चित तौर पर ये लोग वो लोग हैं जिसने देश को लगातार बर्बाद करने का काम किया है, लूटने का काम किया है। ये लुटेरों का जमघट है और अब देश के लिए नहीं आना चाहते हैं, सत्ता के आना चाहते हैं, अपने आप के बचाना चाहते हैं। देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाले लोग हमारे 9 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ा है, तरक्की किया है, दुनिया में नाम रोशन किया है। और आपने देखा होगा नीति आयोग गरीबी से हम बाहर निकालने का काम करें, बिहार भी उसमें है। हर वर्ग, हर तबका के लिए काम किया है, कोई वैकेंसी ही नहीं है भाई। अति दुर्भाग्य है, 3 आदमी की मृत्यु हो गई है, 1 महिला को निवस्त्र घुमाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों और गुंडों का राज काम हो गया है, लोग असुरक्षित हैं, बिहार तबाह है। मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसको लेकर कल जदयू जो है सरकों पे उतरी थी और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। अरे पहले तो इस्तीफा, नीतीश कुमार जी गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हैं? रोज हत्या, रोज मर्डर, रोज रेप। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? बेगूसराय में निवस्त्र करके महिला घुमाया गया, क्या बोलेंगे? अपने चेहरे को देखें कौन। अरे अरे कौन माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संवेदना बहुत ही हृदय से व्यक्त की है। घोर अपराध हुआ है, शर्मसार देश हुआ है। उन्होंने कहा है कार्रवाई करने के लिए, सरकार कार्रवाई कर रही है और कहीं भी किसी रूप में वो अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, ये कमिटमेंट है। दो महीने से मोदी जी मौन थे, इस तरह की बात कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार पहले माफी मांगे, जाए ना निवस्त्र करके घुमाए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कल बेगूसराय में खुले आंखों से लोगों ने देखा, तीन तीन हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई। कोई ऐसा दिन है पटना सहित पूरे बिहार में हत्या नहीं हो रहा हो? क्या देखेंगे, क्या देखेंगे किसी दूसरे को? अपना चेहरा में जाके और सबसे पहले जा करके वहाँ जो गरीब आदमी, आम आदमी की हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, कहीं को लॉ एंड ऑर्डर है जी? न लॉ है ना ऑर्डर है। कहा तो नहीं अपराधियों का राज कायम हो गया है। ये जो विपक्ष सुपवाद है दूसरे चलनिया के, एक सवाल है विपक्ष। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर रामकृपाल यादव साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन क्या बिहार में क्राइम ग्राफ कमा है? जिस तरीके का वारदात रोज बिहार में हो रहा है, इस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर जिस तरीके से आप भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक बार खुद पर भी नजर डालनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।